बजे बन रहे हैं आज व्लॉग, 4:30 हो गए, दिखाती हूँ मैं टाइम, 4:30 हो गए, 4 बजे उठे थे। ये तो आज है शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस पानी लगाती हूँ मैं, रॉट में तो जल्दी गर्म नहीं होगा, कैटल में लगाती हूँ उसमें जल्दी गर्म होगा। और गाइज आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे भाई। गाइज सुबह के बज गए हैं 5:30, मैं 4:30 बजे उठ गई थी। गाइज मैंने नहा भी लिया है, इतना ठंडा हो रहा है। अब ये नहाएंगे, वही मतलब हल्का सा उजाला होने देंगे हम, हल्का हल्का मतलब, क्योंकि अब इतनी रात हो तो कैसे जाएंगे, जाएंगे तो सही, बहुत लोग तो जा रहे हैं तो थोड़ा सा कैसे जा रहा। मैंने तो अपने लिए हीटर चलवा दिया गाइज, इतना ठंडा हो गया था मेरे को, मैं जानती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल निकिता वेरी व्लॉग्स पे। तो गाइज आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो मेरे भाई को हैप्पी बर्थडे। और गाइज आज हम लोग अभी जा रहे हैं वो ऊपर। मैंने याला व्लॉग घर से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसमें तो मैं वहीं जाके स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसमें मैंने पहले भी दिखा रखा है। और तो मैं आपको आगे को रास्ता दिखाते रहूँगी, बीच में बोलूँगी भी नहीं गाइज, वहाँ गाने लग रखे हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसीलिए। तो चलो चलते हैं। और ये हैं मेरे स्वामी जी। गाइज हम लोगों ने सोचा था ना कि हम सुबह चले जाएंगे, ये भी बना रहे थे साइड व्लॉग, तो हमने सोचा था हम सुबह ही चले जाएंगे, बट हम सुबह इसलिए नहीं गए, हम सुबह 4:30 बजे उठ गए थे गाइज, फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाते। भाई का बर्थडे भी आज, उसकी तो तबीयत ख़राब हो रखी है गाइज, पीलिया हो रखा है उसे। तो आप सब लोग भगवान से, शिव जी भगवान से यही प्रार्थना कर। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं टकोरा, तो बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत चढ़ाई चलनी है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है यार, आज व्रत है ना हमारा, फास्ट है तो व्रत के दिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अभी वैसे भीड़ नहीं दिख रही है। और आज अभी भी तो गाइस गुफा के अंदर ही जाएंगे हम, अलाउ है क्या वहाँ फोन, इसके अंदर होता ही होगा, अंधेरा तो होगा सही। गाइस आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं, इतना खतरनाक हो गया ना। अपना व्लॉग बना रहे गाइस, अपना व्लॉग। ये ऊपर भी एक मंदिर है, पता नहीं किस चीज का है, पर पता तो नहीं है, भगवान कृपा बनाए रखना अपनी हमारे ऊपर। और यहाँ पे कोई धार है, एक यहाँ पे है, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइस, मतलब आधी मंजिल पार कर ली है। एक यहाँ पे है, एक आगे पे भी है। तो गाइस पहले यहाँ पे था शायद धारा, अब यहाँ पे का बंद हो गया है, यहाँ पे को है, और हम लोग पहुँच गए धर्मशाला ही है ना शायद यहाँ पे को मंदिर का। तो गाइस हम लोग यहाँ पे को पहुँच गए, यहाँ पे को एक धारा, और वहाँ पे को मूर्ति रखी है, कितने अच्छे है यार। तो चलते हैं, और यहाँ का देख सकते हैं हरियाली, ये एक बोर्ड भी लगाया है यहाँ पे को, देखते हैं। गाइज ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, हमारा घर भी दिख रहा है यार। अरे हमारा घर कहाँ पे है यार, मुझे तो हमारा घर, अरे दिख रहा है गाइज हमारा घर, वो उधर ग्रीन ग्रीन वाला, और जो वो वाला पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ है, वहाँ क्या है, कौन सा मंदिर था, ध्वज ध्वज था वो साले पहाड़।
आ जाइए जरा बाबा जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। एक मंदिर है गाइस, ये जो ये यहाँ पे को है, ये इसके बीच में एक मंदिर। ऐसी है कुछ हम पिथौरागढ़। जल्दी आओ ना। गाइस पेट में थोड़ी दर्द हो रही है यार, और मेरे स्वामी जी मतलब मेरे पति देव जी, गाइस थकान लग गई है, मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे को ताकत नहीं आ रही है गाइस, पता नहीं क्यों। आज तो व्रत भी है ना, उसी वजह से नहीं आ रही होगी शायद। तो मंदिर के पास पहुँच गए हैं बाबा जी, भी थक गए हैं शायद, पहुंच गए हैं फर्स्ट मंदिर के पास। पहले यहाँ पे को थोड़ी धूप बत्ती दर्शन कर लिए हैं इस वाले मंदिर पे, और अब हम लोग आगे को चल रहे हैं। अब तो थोड़ा ही है मंदिर, तो बहुत अच्छा लगा यार, मतलब मंदिर में ना पूजा वूजा करके। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ चैनल सब्सक्राइब भी करवाया, दो लड़कियाँ थी, मैंने कहा उन लोगों से वीडियो में ले लूँ करके। अब यार बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर घर वाले भी डांटते हैं किसी को, इसीलिए उन लोगों ने मना कर दिया। तो चलो अब हम लोग आगे को चलते हैं। मैं पहली बार ही जा रही हूँ, यहाँ वेट देख लो। वैसे वो वहाँ से है। अच्छा वहाँ से जाते हैं, वहाँ वो कैसे निकल रही है गाइस, वहाँ से निकल रहे हैं।
यहाँ से जाना है अभी हमने। ऐसा है भाई, हाँ जय हो जय हो, मेरी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना अंकल, देख लेना अपने आप को भी। यूट्यूबर होने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था यहाँ पे का, तो थोड़ा वो हम लोग चलते हैं यहाँ देखो तू जाओ। दिख रहा है बात तो इसको यहाँ पकड़ो यहाँ पे आप थोड़ा टेढ़ा आ गए हो, बताओ कैसे निकल जाओगे, आ जाओ रुको, ये तो कहीं छोटी है, आ जाओ आप यहाँ पे को रख पाऊँ अब। धनिया और यहाँ पे पेड़ हैं और वहाँ पे आलू हैं, तो मैंने ये इनके लिए तल दिए हैं, क्योंकि ये आलू वाले नहीं खाते हैं ना, और उसकी आलू की पूरियाँ भी बनानी है गाइस, तो मैं आपको फटाफट थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरा प्रसाद भी बन चुका है और मेरे पेड़े भी बन चुके हैं, मैंने एक आला प्रसाद बनाया है और एक आला प्रसाद बनाया है, और इसकी तो आलू की पूरी बनानी है, इसमें कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, मैं ये वाली कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने वो बना दिया था ना प्रसाद दूध वाला। तो गाइज यहाँ लाइट गई है तो मैं अब आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, अब मैं आपको थोड़ी देर पे ही मिलूँगी। अभी मैं थोड़ी देर में अपने भाई से भी मिलने जाऊँगी, उसका बर्थडे है ना आज, बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि उसके खाने जैसा कुछ है नहीं, तो उसका बर्थडे किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे बोल रहे हैं मम्मी लोग, मैं उससे मिलने चले जाती हूँ, मेरे से बोल रही थी आ जा करके, तो मैं खाना पीना बनाऊँगी उसके बाद जाएंगे हम पूजा पाठ करने के बाद। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे गाइज, ये लोग व्लॉग देख रहे हैं, मतलब भाई मतलब प्यारा भाई, मेरे से बल व्लॉग में मत ला मुझे।